अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिफेंस डे स्पेशल। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में। मेरे साथ सितारा नूर साहिबा मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर सीनियर रिसर्चर हैं। थोड़ा सा इस इदारे के बारे में इनसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एविएशन का ये वाहिद थिंक टैंक है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर काम हो रहा है। तो आज कोशिश करेंगे कि उन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सितारा। थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं सबसे पहले तो अबाउट द इंस्टीट्यूशन। मैंने सही कहा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अकेला एविएशन का थिंक टैंक है ये? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और बेसिकली आइडिया जो कैस को इस्टेब्लिश करने का था, वो आइडिया ही यही था कि पाकिस्तान में बहुत सारे थिंक टैंक्स बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एरोस्पेस, साइबर स्पेस और स्पेस इन जनरल इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन काम हो नहीं रहा। तो कैस का जो बेसिक पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट था वो यही था कि इस इंपॉर्टेंट एरिया को ना सिर्फ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाए, सिक्योरिटी के हवाले से इन एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पाकिस्तान को बहुत ख़तरात का सामना है डिफरेंट अरीनाज़ में, ख़ास तौर पे साइबर और स्पेस के हवाले से, तो उन चीज़ों को कवर किया जाए। और जो एक नॉलेज गैप है पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उसको पूरा किया जाए। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और रिसर्चर जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, गनवा एजाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गनवा, थोड़ा सा बताइएगा कि फोकस क्या है, किस किन किन चीज़ों पे काम कर रही हैं? बेसिकली कैस एज अ होल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी, एविएशन, स्पेस सिक्योरिटी, इनके ऊपर काम करते हैं। मेरा स्पेसिफिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, और उस पर हम लोग जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी हमारी आउटपुट होती है, वो हम पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स तक कन्वे करते हैं। ये हम लोगों का बेसिक प्रोजेक्ट है, और इसके साथ हम लोग डिफरेंट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कश्मीर, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A किया था, और उसके साथ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान में हम लोगों ने ये किया था कि अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया, वो बहुत ज़रूरी था इस टाइम में स्पेशली। और उसके बाद ये हुआ है कि हमने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार्स किए, हमने कश्मीरी लोगों की आवाज़ जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, वहाँ तक पहुँचाई है। और इसके साथ हम ये कह रहे हैं कि हम डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, स्पेशली थिंक टैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और विद इन पाकिस्तान हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करके पॉलिसी मेकर्स को अपने इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि कैस एज अ होल फिफ्थ टॉप 5 थिंक टैंक्स में पाकिस्तान के शामिल हो चुका हुआ है। जी व्यूअर्स, कैस टीम का हिस्सा एक और रिसर्चर उमर आमिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उमर। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आजकल किस चीज़ पर काम कर रहे हैं रिसर्च कर? जी, स्पेसिफिकली इफ़ यू आस्क मी, देन आई एम वर्किंग ऑन फ्यूचर वॉरफेयर, द टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज एंड एक्सट्रापोलेटिंग इट टू द ईयर 2037, एंड ऑल्सो आई एम राइटिंग अ फ्यू ओपेड्स एंड रिसर्च पेपर्स, एंड वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार्स एवरी नाउ एंड देन। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट विच इज़ द फ्यूचर वॉरफेयर। जी व्यूअर्स, हम जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त भी कैस में मौजूद हैं माहीन शफीक, एक और ब्राइट रिसर्चर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच माहीन फॉर योर टाइम। मैं सबसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बड़ी मुश्किल मुश्किल एरियाज पे काम करते हैं, आप किस एरिया पे काम करते हैं? मैं अभी करंटली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर पर काम कर रही हूँ। एवरी थिंग इज चेंजिंग, देयर आर कैरेक्टर्स, देयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि अफेक्ट कर रही हैं। पहले सब लोग जंग के मैदान में जाते थे लड़ने के लिए, अब कंप्यूटर के पीछे बैठ के लड़ते हैं। तो इस तरह करके पूरी दुनिया में वॉरफेयर के तरीके बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं ये सवाल करूं कि क्योंकि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वी आर कीपिंग अप विद द पेस जिस पर बाकी दुनिया चल रही है? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, हमारी पूरी कोशिश है। जी व्यूअर्स, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, डॉक्टर उस्मान चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इकोनॉमी और सिक्योरिटी दे गो हैंड इन हैंड। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, हम बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स के ऊपर भी जब बात करते हैं तो हमें जवाब में ये कहा जाता है कि माशी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम एक्स वाई जी ये काम जो है वो शायद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कनेक्शन क्या है थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूँ, और आप किस तरह से यहाँ पर इस एरिया और डोमेन को देखें? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुआशी हालात और हमारी सिक्योरिटी हमारे इस्तेकाम के बहुत क्लोज कनेक्शंस हैं। इस वजह से जो काम मैं करता हूँ यहाँ पे, उसमें मैं हमेशा मद्देनज़र रखता हूँ कि हमारा इस्तेकाम और हमारी हिफाजत जो है वो किस तरह से मुंसलिक है हमारे इक्तिसादी हालात से। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह हमारा FATF का जो कनेक्शन है, जो हमारे झड़पें होते हैं उनके साथ जो हम मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा जो ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, उसमें अभी बहुत काम दरकार है। तो इसलिए मेरे जो मद्देनज़र है, इकोनॉमिक्स में यूजली आप कई बैंकिंग इंडस्ट्री इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं, मैं उस तरह से ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट नहीं समझता अपने आप को। मैं चाहता हूँ कि हिफाजत और इक्तिसादी हालात को बयक वक्त हम देखें। मेरे ख्याल से हम दोबारा से राइजिंग स्टार आराम से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारी चीज़ें दरकार है। मसलन आवाम का जो है वो एक एटीट्यूड जो है वो उसमें तब्दीली, वो ज़माना और था, हमारा सोसाइटी और होती थी, वैल्यूज़ और होती थी। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल विल जो है आजकल मुझे उस तरह से नहीं नज़र आता जो कि 1960-70 में नज़र आता था। तो चूंकि हमारी वैल्यूज़ हमारी हम उस तरह से कदर नहीं करते चीज़ों की, तो वो एक चीज़ है, लेकिन जो खून हमारी रगों में है वो उस वक्त भी वही था जो अब है। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि एज अ कंट्री वी कैन ईजली राइज टू द ओकेजन, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।